दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के आरसीबी के स्क्वाड की। हम जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आरसीबी का स्क्वाड जो है इस बार किस तरह से जो है वो बाय किया है, किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से जो प्लेयर हैं, किस तरह से जो है उनकी एनालिटिक्स है, सारे डिटेल जो आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। सारे डिपार्टमेंट के हम एक एक करके जो है वो पूरा एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट वीडियो के बाद जो है आप ये आरसीबी के बारे में जो है जो फैक्ट्स है वो जान जाओगे कि किस तरह से जो है परफॉर्म करता है आरसीबी और किस तरह से जो है परफॉर्म इस सीजन में कर सकता है। सारी डिटेल आपको वीडियो को लास्ट तक मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो कॉल फॉर एडमिशन सर्च करके टेलीग्राम पे। साथ ही ये ड्रीम इलेवन से रिलेटेड जो है चैनल है और स्क्वाडिंग इलेवन करके आप इससे जुड़ सकते हो। और ये जो है मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है, आप यहाँ पे जो है मुझसे जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम आरसीबी के थोड़ा सा जो है हिस्ट्री जान लेते हैं। आरसीबी जो है अभी तक जो है वो कोई भी कप नहीं जीता है, हम सभी को पता है। फाइनल तक पहुंच चुका है 3 बार। और सबसे पहले 2008 की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ जो है वहाँ पे कैप्टन थे और उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा खासा रन भी बनाया था। लेकिन बाद में जो है विजय मल्ल्या जी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था वहाँ पे, क्योंकि वो आरसीबी जो है वो 7वें पोजीशन पे जो है वो पूरे 8 टीमों में थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार प्लेयर भी शामिल थे अंडर 19 में, उस समय विराट कोहली थे जिन्हें सेकेंड राउंड ऑक्शन में जो है वो खरीदा गया था। और उसके अलावा 2009 में जो है वो केविन पीटरसन को जो है वो साइन किया आरसीबी ने ऑक्शन में, और उसके बाद केविन पीटरसन को जो है कैप्टन बनाया। 2009 में जो था इलेक्शन था जनरल इलेक्शन इंडिया में, जिसके चलते मैच जो है साउथ अफ्रीका में होने थे और उन साउथ अफ्रीका की वजह से वहाँ पे टोटल 6 मैचेस बेंगलुरु खोला और 6 मैचेस जो है सिर्फ 2 जीता, 4 जो है वो हारा था। और केवी पीटरसन के कैप्टनसी में आके भी जो है वो अच्छा नहीं कर पा रहा था आरसीबी। केवी पीटरसन को वहाँ नेशनल ड्यूटी पे जाना था इसलिए वो 6 मैचेस के बाद चले गए और वहाँ पे नए कैप्टन आए अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के पास थे 8 मैचेस और उन 8 मैचों में से 6 मैचेस जो है ये जीते, और 6 मैच में से टोटल 8 मैचेस जो है वो जीत गई बेंगलोर 14 में से, और इन 14 8 में से जीत के जो है फाइनल क्वालिफाई कर चुकी थी। क्वालिफायर के बाद ये फाइनल में पहुंच गए और 2009 में जाके फाइनल में जो है हार गए, रनर अप रहे थे। उसके बाद अनिल कुंबले ने जो है वो 2010 भी खेला, उसके बाद वो चैंपियंस लीग जो हो रहा था T20 का उसमें भी गए थे। 2011 आते आते जो है अनिल कुंबले ने जो है रिटायरमेंट ले लिया और वहाँ पे जो है 2010-11 का जो ऑक्शन हो रहा था जहाँ पे सिर्फ 3 प्लेयर को जो है वो कैप रखना था, बाकी सबको रिलीज करना था। लेकिन बेंगलोर ने जो है एक गलती वहाँ भी की थी कि अपने जो तगड़ी टीमें थी यानी कि बॉलर वॉलर थे वो सबको छोड़ दिया था, सिर्फ एक प्लेयर को रखा था विराट कोहली को। और 2011 में जो है विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया और 2011 में अच्छे अच्छे प्लेयर को जो पिक किया था। टोटल जो है एक टोटल कम ऑक्शन हुआ था, जैसे कि 2022 में जो होगा ऑक्शन उस तरह से जो है ऑक्शन हुआ था और वहाँ पे केवल विराट कोहली को जो है उन्होंने रोका था, बाकी सबको जो है उन्होंने खरीदा था। और उसके बाद से जो है टीम फाइनल तक पहुँची थी 2011 में भी, और 2011 में जो है वो चेन्नई से हार गई थी। उसके बाद 2016 की बात करते हैं, 2016 में भी जो है विराट कोहली लीड कर रहे थे, 2016 में जो है फाइनल तक पहुंची और टीम जो है हार गई, फाइनल नहीं जीती है। और हर साल जो है इनके फैंस उम्मीद लगाते हैं और काफ़ी जो है वो टीम अच्छा परफॉर्म शुरुआत में करती है या फिर लास्ट में करती है, लेकिन ये जो है पहुँच नहीं पाती है जिस मुकाम पर इन्हें पहुँचना चाहिए। तो इस साल हम देखेंगे कि आखिर टीम में का कॉम्बिनेशन किस तरह से है, क्या क्या बाय किया है, किस तरह से जो है इनका एनालिटिक्स है और किस तरह से जो है ये टीम परफॉर्म करेगी, सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले अगर अब तक नहीं जुड़े हो तो ये जो है डिटेल्स है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ जाना। और 2021 में जो है वो भी विराट कोहली जो है लीड करेंगे। और अब हम देखते हैं इनके बैटिंग डिपार्टमेंट की। तो इनके बैटिंग डिपार्टमेंट में आप देखोगे कि बैटिंग डिपार्टमेंट में जो बैटिंग है इसमें अगर नाम देखोगे आप, देवदत्त पाडकर और विराट कोहली। विराट कोहली की बात करें तो 192 मैचेस खेल चुके हैं और इनका 5878 जो है रन है। इसके अलावा एवरेज आप देखोगे बहुत ही कमाल का है, 38.2 है और स्ट्राइक रेट जो है 130 से ऊपर रहता है। देवदत्त पाडकर जो है वो लास्ट सीजन पूरा खेले, पूरे 15 के 15 मैच जिन्होंने खेले और उन 15 मैच में 473 रन बनाए थे। एवरेज जो है इनका 31 पॉइंट का रहा और स्ट्राइक रेट जो है 124 का रहा। इसके अलावा सचिन बेबी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है 18 मैच जो है अभी तक खेले हैं आईपीएल में और 137 रन सिर्फ बनाए हैं। 17 का जो है इनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट जो है 135 का मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं बाकी दो अंडर 19 के प्लेयर, रजत पाडकर और सयस प्रभु देसाई। तो ये जो है अंडर 19 में बहुत ही बड़े कमाल किए हैं, अभी तक तो कोई भी आईपीएल नहीं खेले और इनका पहला डेब्यू आईपीएल होगा। और इनके स्ट्राइक रेट की अगर T20 में आप बात करोगे तो T20 में इनका स्ट्राइक रेट जो है 142-140 के अबव रहता है, यानी कि अगर डोमेस्टिक मैचेस की छोड़ दे, यहाँ पे हो सकता है स्टार प्लेयर के साथ खेले तो अगर 130 भी मेंटेन करते हैं तो बहुत होगा बेंगलोर के लिए।
विकेट कीपर ऑप्शन में जाते हैं तो विकेट कीपर ऑप्शन में आपको बहुत बड़ा नाम एक मिलेगा एबी डिविलियर्स का, जिन्होंने 169 मैचेस जो है वो खेले हैं, 4849 रन बनाए हैं, 40 का एवरेज है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और स्ट्राइक रेट भी आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन जो है 152 का आसपास का जो है वो स्ट्राइक रेट रहता है जो कि बहुत ही हाई है किसी भी बैट्समैन के से आप कंपेयर करोगे तो। इसके अलावा आपको जो है शिखर भारत है और मोहम्मद अजहरुद्दीन को जिन्होंने इस साल बाय किया, और फिन एलन को बाद में इन्होंने साइन किया था क्योंकि जॉस फिलिपे जो है वो पूरे सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसलिए जो है उन्होंने जॉस फिलिपे को ड्रॉप करके जो है फिन एलन को जो है उनके जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे साइन किया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं और काफ़ी एक यंग है, युवा है, एनर्जेटिक है, कैपेबिलिटी है, और देखते हैं जो है इनको चांसेस मिलता है तो किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आरसीबी के ऑलराउंडर की, तो आरसीबी के ऑलराउंडर में जो है हमेशा मारपीट चलते रहता है और ये हर साल कुछ ना कुछ नया बाय करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज़ करते हैं। इस साल की आप बात करोगे तो यहाँ पे मैक्सवेल जो है सबसे बड़े नाम है, जिन्होंने 82 मैचेस खेले हैं, 1505 रन बनाए हैं, विकेट 19 मिला है, स्ट्राइक रेट 154 का है, इकोनॉमी जो है वो आपको देखने को मिलेगा बॉलिंग में जो है 8.5 का रहता है, और विकेट जो है इनको उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो हर मैच में आपको 1 से 2 ओवर जो करते हुए नजर आएंगे तो प्रेशर जो है वो हल्का करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, और एक आपके नाम के लिए भी अच्छा है कि आपको जो है प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा कोहली और डिविलियर्स को, तो मैक्सवेल भी जो है उसके लिए भी अच्छे रहेंगे। सुंदर की बात करते हैं तो 36 मैचों में 186 रन है, 24 विकेट है, और स्ट्राइक रेट जो है 125 का रहता है इनका, इकोनॉमी रेट जो है आप देखोगे कि काफ़ी कम है, 7 से नीचे है, जो कि अच्छा है। डेमेल सैंस की बात करें तो सिर्फ 3 मैच अभी तक खेल चुके हैं, दिल्ली में पिछले साल थे और ट्रेड करके बैंगलोर ने इनको लिया था, और 3 मैचों में जो है इनका इकोनॉमी रेट देखोगे आप 10 से नीचे रहता है, लेकिन कोई भी जो है रन नहीं बना पाए और इनका जो है कोई विकेट भी नहीं मिल पाया, विकेट हालांकि बॉलिंग किए पर रन नहीं, विकेट नहीं मिला, बैटिंग जो है ये नहीं कर पाए। सराज अहमद की बात करते हैं तो इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 1 रन बनाया है, इसके अलावा 2 विकेट भी लिया है, और स्ट्राइक रेट इनका 100 रुपये रहता है अगर बैटिंग करते हैं, तो इकोनॉमी रेट जो है इनका 7.5 से नीचे रहता है, जो कि अच्छा है बॉलिंग के लिहाज से। डैनियल क्रिश्चियन की बात करते हैं तो 40 मैचेस जो है खेल चुके हैं, 446 रन बनाए हैं, और विकेट की बात करते हैं तो सिर्फ 34 विकेट मिला है, स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी कम रहता है आईपीएल में, और इकोनॉमी रेट भी जो है वो 8 के आसपास रहता है। इसके अलावा पवन देशपांडे हैं, देखते हैं कि इस साल कैसे परफॉर्म करते हैं, और इनका स्ट्राइक और रेट और इकोनॉमी रेट आप देखोगे काफ़ी अच्छा है, तो क्या आईपीएल में ये मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं ये देखना होगा। अब हम बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जो कि आरसीबी का हमेशा एक जो है कमी रहता है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चहल को, तो इन्होंने 99 मैचेस खेले हैं, 121 विकेट है, इकोनॉमी रेट भी इनका काफ़ी अच्छा रहता है, और एवरेज भी आप देखोगे 22 से 22.5 के आसपास जो है वो रहता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और नवदीप सैनी की बात करते हैं, सैनी जो है सिर्फ 26 मैचेस खेले हैं, 17 विकेट लिया है, और इकोनॉमी रेट इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, एक जो है इनके मेन बॉलर हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, 8.5 का है, और एवरेज भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा है, तो एक मेन बॉलर के लिए जो है 45 का एवरेज जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे जो है सुधार आएगा और कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है, और इनका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि फास्ट ज़्यादा फेंकते हैं, जिस बॉल से जो है इन्हें मार थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाती है। सिराज की बात करते हैं तो सिराज की बात करें तो अभी तक जो है 35 मैचेस खेल चुके हैं और 39 विकेट है, इकोनॉमी रेट इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 9 का रहता है, और एवरेज जो है इनका काफ़ी अच्छा रहता है, 28 के आसपास जो है एवरेज रहता है। केन रिचर्डसन की बात करें 14 मैच सिर्फ खेला है, 18 विकेट लिया है, और 8.5 के जो है उनका इकोनॉमी रेट रहता है, और एवरेज जो है इनका काफ़ी अच्छा रहता है, 24-25 का जो है एवरेज रहता है। जंपा की बात करोगे तो जंपा 14 मैचेस खेले हैं, जिनमें से जो है 21 विकेट इनको मिला है, और 8 से नीचे जो है इनका इकोनॉमी रेट रहता है, एवरेज जो इनका बहुत कमाल का रहता है, 17 का जो है इनका एवरेज रहता है। काइल जेमिसन की बात करें तो ये जो है अभी न्यू साइन इन है, काफ़ी पैसा जो है बेंगलोर इन पर लगाया है, तो ये देखना होगा कि है किस तरह से परफॉर्म जो है करते हैं आईपीएल में। इसके अलावा हर्षल पटेल जो है जिन्होंने 48 मैचेस खेले हैं, 46 विकेट लिया है, 8 से 8.5 के बीच जो है इनका इकोनॉमी रेट रहता है, और एवरेज जो है इनका 30 के नीचे रहता है, तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कि किस तरह से जो है परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर का जो है मैंने कुछ एनालिसिस जो है छोड़ दिया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये है डिटेल्स मुझसे जुड़ सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सर वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।